ਹੁਣੇ ਮੋਤਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਘਾਟਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਪਲੇਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਪਾਲਮ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ पंजाब में विधानसभा चुनाव एकदम करीब आ गए हैं, जिसे देखते हुए सभी पार्टियों के प्रत्याशियों द्वारा प्रचार की रफ्तार को एकदम बढ़ा दिया है। प्रचार की इस रेस में विधानसभा क्षेत्र फगवाड़ा से फिलहाल आम आदमी पार्टी काफी आगे निकल गई है तथा एक लहर सी बनती जा रही है। प्रचार की इसी कड़ी में फगवाड़ा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सर जोगिंदर सिंह मान फगवाड़ा के गाँव नसीराबाद में पहुंचे। वहां पर एक छोटी सी नुक्कड़ सभा की जानी थी जो कि एक रैली जैसा रूप धारण कर गई। इस मौके पर मौजूद अलग अलग पार्टियों के व्यक्तियों द्वारा आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा गया तथा फगवाड़ा सीट आम आदमी पार्टी की झोली में बहुत बड़े मार्जिन के साथ डालने का वादा किया। फगवाड़ा से रमन बहल की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज साडे नगर नसीराबाद विच मान साहब आम आदमी पार्टी टिकट लैके पहुंचे आ। असीं सारे ही नगर इन्हां दे नाल वध तों वध खड़े आ। कोई भी किसे नूं कोई दुआ नहीं हैगा, वध तों वध असीं मान साहब दे नाल आ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जोगिंदर सिंह मान साहब हलका विधानसभा सीट फगवाड़ा तो लैके साडे पिंड नगर नसीराबाद पहुंचे आ। असीं इन्हां दा तहे दिलों धन्नवाद करदे आ कि वेलकम करदे आ। और साडे नगर ने पूरे ने बहुतांत विच इन्हां दा भरमा साथ देण दा हुंगारा भरिया आ। और असीं आस करदे आ कि इह जदों जित के आणगे कि साडे पिंड दीआं मुढ़लियां जो समस्यावां होणगीआं उन्हां नूं पहल दे आधार ते निजात दिवाणगे। सो असीं दुबारा फिर इन्हां दा धन्नवाद करदे आ कि असीं इन्हां दा साथ देण दा पूरा हुंगारा भरदे आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। चाहुंदे आ अज दी तरीक दे विच कैप्टन नूं वोटां पाईआं सीगीआं वी शायद इह कुछ करूगा, उह अंदरों नहीं निकलिआ, चन्नी आया उत्ते वी आसां लाईआं सी सारे नाल वी शायद इह इक पिंडां चों निकलिआ उहनां 117 दिनां च 117 करोड़ ही लुट लिआ, रोज दा करोड़ लुट्टिआ उहने। उह सिद्धू सूप फड़ाई जांदा, मजीठिया उहनूं गाला कढी जांदा। पर सब तों वड्डी गल इह आ कि मान साहब नूं केजरी साहब बुला के आप उन्होंने कहा कि मान साहब तुसीं टिकट जिहड़ी आ फगवाड़े तों आम आदमी नूं लड़ो। भगवंत मान की वोटिंग हुई है, हुण सारे आपां सोशल मीडिया ने सारा ही आपां देख रहे हैं, 93% उहनूं वोटिंग हुई है तां उह सीएम दा कैंडीडेट बणिआ। हर एक बंदा चाहुंदा यार वी इक वारी अपना पंजाब जिहड़ा इक आपां किसान इक सवा साल आपां किहड़े हालातां चों लंघे बिल रद्द कराउण लई नसीराबाद दुखी हो गए। अपने सारा अपना परिवार ही बैठा है। रवि यार तेरे से सट भी लग गई। मैं अज मान साहब नाल गल करदा हुंदा सी, चलो 5-6 साल पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी जोया नूं हो गया तकरीबन 7-8 साल। पहला इस तों पहला असीं 40-45 साल अकाली दल दा पल्ला फड़े। उस तों बाद जो किसानां दी हालत रिलीफ होई, 700 किसान साडा शहीद हो गया, किसी ने कोई परवाह नहीं की। अज सानू इस चीज़ तो असी सारी पंजाब की जनता अभी कहने पर बदलाव होना चाहिए। मान साहब भी मैं एक एक बेनती करदा, जो कांग्रेस के विच सीगे इन्होंने बहुत कुछ किया, पर हुण आम आदमी पार्टी के विच आके
एक बार बदला लिया के दिखा दे ताकि विरोधियों को पता लग जाए लग जाए भी हां मान साहब एक कांग्रेस पार्टी के नहीं आम आदमी पार्टी के वर्कर बन के आए सही है तुहाडी गल केजरीवाल साहब किसी भी परसन लेके आंदे मान साहब साडे रिस्पेक्टेबल हैगे आ ना अगर ये आए हैगे असीं वेलकम करदे आ अगर किसी भी लेके आंदे असीं झाड़ू नूं वोट पाउंदे अज असीं तुहानूं कुछ सवाल नहीं करांगे असीं सिर्फ तुहाडा वेलकम करांगे तुहाडा साथ देवांगे ठीक है जी हाँ दूसरी पार्टी आएगी उन्हूं असीं जरूर सवाल करांगे और सवाल की होणगे उहदे मुंह ते होणगे जवाब असीं देवांगे फिर भी साडा जवाब यह होगा कि वोट साडे कोल तुहानूं नहीं हैगी ठीक है जी ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵੀ ਗਾਹ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਨ ਤੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪੜਦੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬਿੰਗ ਲਈ ਜਦੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ DSP ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਰਬੰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ DS ਖਰਬੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਪੁੱਪਲਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ 55 ਦਾ 5 ਲੱਖ ਵੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਖਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ DC ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਖਰਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਵਾਲੇ ਬਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ DC ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ DC ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਉੱਥੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ